सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम सुनने जा रहे हैं एक डरावनी कहानी। सो कहानी शुरू करने से पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ कि कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो से दूर रहे। सो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था, गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसकी खिड़कियाँ टूटी हुई थी और दरवाजे कभी कभी खुद ही खुल जाते थे। गांव के लोग भी उस हवेली के पास जाने से कतराते थे, कहते थे कि वहां कोई छाया रहती है जो रात के समय हवेली के अंदर और बाहर घूमती रहती है। रवि एक साहसी और जिज्ञासु युवक हमेशा से रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी रखता था। उसे इस हवेली की कहानियों में विश्वास नहीं था और उसने ठान लिया कि वो उस छाया के पीछे का सच जान कर रहेगा। एक रात रवि ने अपनी टॉर्च और कुछ ज़रूरी सामान लिया और अकेले ही उस हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे पर जैसे ही उसने हाथ रखा, दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। रवि ने बिना घबराए अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और फर्श पर धूल जमी हुई थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाया, तभी उसे सीढ़ियों के पास एक हल्की छाया दिखाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और धीरे धीरे उस छाया की ओर बढ़ा। जैसे ही वो नज़दीक पहुंचा, छाया गायब हो गई। रवि को ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने हिम्मत कर ऊपर की ओर कदम बढ़ाया। ऊपर पहुंचते ही उसे एक दरवाज़ा दिखाई दिया जो हल्की हल्की आवाज़ के साथ हिल रहा था। रवि ने उस दरवाजे को खोला और अंदर झांका। कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी खड़ी थी। उसे लगा कि छाया शायद इसी अलमारी में छिपी हो। रवि ने अलमारी के दरवाजे खोले और उसके अंदर उसे एक पुराना धूल से भरा हुआ डायरी मिला। उसने उस डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें हवेली के मालिक की कहानी लिखी थी जो कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था कि उसने एक प्राचीन तावीज को छुआ था जिसके बाद से वो छाया में बदल गया था। अब वो छाया बनकर हमेशा के लिए इस हवेली में फंसा हुआ था। रवि ने जैसे ही ये पढ़ा, अचानक कमरे में ठंड बढ़ने लगी और वही छाया उसके सामने प्रकट हो गई। छाया ने धीरे धीरे अपना हाथ रवि की ओर बढ़ाया और उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द झलक रहा था। रवि समझ गया कि वो छाया किसी से मदद की गुहार कर रही थी। रवि ने साहस जुटाकर उस तावीज को ढूंढा जो अलमारी के पीछे छिपा था। उसने तावीज को उठाकर तोड़ दिया और तभी हवेली में एक जोर की आवाज़ गूंजी। छाया धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली का माहौल शांत हो गया। रवि ने राहत की सांस ली और डायरी को वापस अलमारी में रखकर हवेली से बाहर निकल आया। गांव में वापस पहुंचने पर उसने देखा कि हवेली अब फिर से शांत और सुनसान थी। कोई छाया नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। हवेली का रहस्य हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था, लेकिन रवि के दिल में वो छाया की आंखें हमेशा के लिए बस गई। सो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।